1992 में जो सफ़र आपने शुरू किया, इतना शानदार सफ़र था, और आज की जो स्थिति है उसे आप, और एक ही जीवन चक्र में आपने सब देख लिया। आज आप 71 वर्ष के हो चुके हैं और एक और युद्ध की तैयारी में। सुधीर, इस बात को हम ज़्यादा ना करें तो ठीक है, ये भावुकता का विषय है, पर मैं भावुक ना होते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ क्रिएट हो गई। एक समय था, दस्तूर था, वैकेंसी थी, बन गया। आज मैं भी चाहूँ तो ये क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया कि इतने करोड़ों पोस्ट कार्ड जी को लिखे जाते थे, जी का नाम का मतलब क्या है, ZEE का, ये लोगों ने दिया है। लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं जी को, जब अप्रिशिएट भी किया है, जब हमने कुछ गलती की उस दौरान में, हमसे गलतियाँ हुई, गलत प्रोग्राम दिए गए, उस वक्त लोगों ने जूतों के हार मेरे लिए भेजे हैं, मैंने उनको हृदय से स्वीकार किया है। मैं कई जगह जाता था देश में, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर लोग आते थे और लोगों ने मेरे को ब्लैक बैजेस दिखाए हैं, इसलिए कि मैं हिंदी भाषा को पूरा शुद्ध रूप से नहीं बोल रहा हूँ ZEE TV के कार्यक्रमों में। उसमें अंग्रेजी का मिश्रण भी है, उर्दू का मिश्रण भी है। कहा है लोगों ने, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैंने उनको नमन होकर स्वीकारा है, लेकिन ये बात फिर कभी सही जी। जेल एवं सोनी पिक्चर से चुक्तिर बिरुद्धे षड़यंत्रे इन्वेस्को। इन्वेस्कोर भूमिका नहीं उठे प्रश्न, कार कथा चुक्ति अटकान चेष्टा करा होच्छे इन्वेस्कोर पक्ष थेके, बा कार मुखपात्र होये बिनियोगकारीदेर भूल पथे चालित करा चेष्टा चालानो होच्छे, से ब्यापारे कोनो स्पष्ट उत्तर नहीं इन्वेस्कोर काछे। জি এন্টারটেইনমেন্ট এবং সোনি পিকচার্সের সংযুক্তিকরণকে স্বাগত জানিয়েছিল ইন্ডাস্ট্রি। শেয়ার বাজারেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু এবার নতুন করে কলকাঠি নাড়তে শুরু করেছে ইনভেস্কো। ইনভেস্কো কেন চুক্তি স্থগিত করতে চাইছে তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ইনভেস্কোর অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জিলের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষচন্দ্র। কার ইশারায় চলছে ইনভেস্কো? ইনভেস্কোর আড়ালে কে এই ষড়যন্ত্রের সূত্রধার? ইনভেস্কো কি কোনো কর্পোরেট সংস্থার হাতের পুতুল? অভিজ্ঞতাহীন বোর্ড সদস্যদের কেন দায়িত্ব দিতে চাইছে ইনভেস্কো? অন্য লগ্নিকারীদের কথা কেন ভাবছে না ইনভেস্কো? নিজেদের যখন কোনো পরিকল্পনা নেই তাহলে অন্যদের বাধা কেন? ইনভেস্কো কি অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা না স্ট্র্যাটেজিক সংস্থা? পুলিত গোয়েঙ্কাকে সরাতে কলকাঠি নাড়ছে ইনভেস্কো, বলছেন সুভাষচন্দ্র। ইনভেস্কো বড়ে আচ্ছে ইনভেস্টর হ্যাঁ, লেকিন ইস জি কে কেস মে वो ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे हैं कि वो इसको लेके करेंगे क्या, किसको मैनेजमेंट देंगे। पुनीत गोयनका तो हटा देंगे, चलो हटा दो, फिर किसको दोगे? क्या आपने कोई डील किसी के साथ कर रखी है? ये जो छह डायरेक्टर उन्होंने बताए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं उनका किसी एक से कंपनी के साथ संबंध है क्या? वो कहीं लेना चाहते हैं क्या? तो इन्वेस्को शुड कम आउट ट्रांसपेरेंटली एंड ओपनली, देन लेट द शेयर होल्डर्स डिसाइड दैट वेदर दे वांट टू टेक डील ऑफ इन्वेस्को और दे वांट टू गो विथ सोनीज डील। ऑन योर क्वेश्चन ऑन रेगुलेटर्स, आई वुड से द रेगुलेटर्स फर्स्ट एंड प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। So they also have to ask Invesco, what is there? Invesco should come out transparently. They should ask. And they should make sure that minority shareholders have both the things in their hand, in front of them, to decide whether to vote for Sony deal or to vote for Invesco deal, which they have not yet put on. ভিডিও বিবৃতি দিয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন এই কোম্পানির লাভের সুফল পান সবাই, এমনটাই চান তিনি। আপনার যে প্রশ্ন হ্যাঁ জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ কে বারে মে এক এজ এ ফাউন্ডার
मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, चाहे इस कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए चाहे कोई और चलाए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथों में ये कंपनी, जिसको मैंने अपने और मेरे बहुत से साथियों ने ब्लड और स्वेट से सींचा है पिछले लगभग 30 सालों में, वो आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, इसके शेयर होल्डर्स भी उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि आज मुझे तो इससे लाभ हानि से कुछ भी, उससे ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगी। और ये इंटरव्यू में अवश्य CNBC के अपने साथियों को, मनी कंट्रोल के साथियों को भी देना चाहता था, लेकिन वो तो लेंगे नहीं, वो चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगता है उनका कुछ, वो दोस्त हैं मेरे, पर उनका शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है शायद इसमें, मैं नहीं जानता, पर जो भी हो भगवान उनको भी सुबुद्धि दे। तो आखिर इन्वेस्टको को इसमें परेशानी क्या है, ये बात साफ नहीं कर रहा है। इन्वेस्टको इसी बात पड़ा हुआ है कि मर्जर और नो मर्जर, वी वांट AGM। आखिर AGM करके आप क्या हासिल कर लोगे? জিলে নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবার অপচেষ্টা করছে ইনভেস্টকো, বোর্ডে অনভিজ্ঞদের সামিল করার দুরভিসন্ধি চলছে, এমনটাই মনে করছেন জিলের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষচন্দ্র। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা।